हेलो भाई, हेलो भाई, तू किधर है? हाँ भाई बोल, क्या हुआ? ए भाई, तू रोस्ट का रिप्लाई कब दे रहा है? मैंने अपने दूसरी वीडियो में भी तुझे रोस्ट कर दिया है। अरे अब क्या बोलूँ यार, मैं ज़रा बिजी हो गया था। मैं उसमें मेरी वीडियो एडिटिंग नहीं कर सका। मैं थोड़े शॉर्ट्स ले लेके रखा था लेकिन नहीं हुआ। ए, मुझे वो सब नहीं पता। मुझे तो उसकी वीडियोस देखने में मजा आ रहा है। और मेरा नाम तूने छपरी रखा है? ए छपरी 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 छपरी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं एक परम मित्र की, एक रोस्टर की, जो अपने रोस्टिंग का ऐलान करना चाहते हैं। तो गाइस, मैं हूँ इस चैनल का ओनर। नहीं, शाहरुख खान नहीं, शाहरुख खान हमें पसंद है तो उनकी फ़ोटो लगा दी हमने। अब हमारी तो इतनी अच्छी शक्ल है नहीं कि लगा दे फोटो। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो आओ यार, अपनी झुकी हुई गर्दनों को सीधा कर लो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये चैनल है किस लिए? ये चैनल देखो भाई, हमने बेरोजगारी के डर से खोल दिया है। अब ठीक है, समझ गया। तो अब मैंने भी सोचा कि मैं भी अब यूट्यूबर बनूंगा, मस्त जोक मारा, और बड़ा वाला यूट्यूबर बनूंगा जिससे थक्की पटेगी। किसकी बच्चे खुश करना चाह रहा है? ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर दिमाग खराब और होता है। खैर, इस महाज्ञानी जीवन गुरु का नाम है। सॉरी सॉरी, मार्केट में आजकल अच्छे रोस्टर्स नहीं है, मजा नहीं आ रहा है पब्लिक को, तो मुझे मैदान में उतरना पड़ गया। कोई बात नहीं, हम तो मैं कितना बड़ा यूट्यूबर मतलब रोस्टर मतलब कुछ भी नहीं हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पहला रोस्ट मैं करने वाला हूँ मेरे परम मित्र के चैनल को, जिसका नाम है फौदान पोशा। Yeah man, I think Mitch was beautiful because he's got good brains. ये जो बंदा है ना भाई, बहुत मल्टी टैलेंटेड, इसलिए मैंने इनको चुना। अगर आप जानना चाहते हो इनको कि क्या टैलेंटेड है, इनके चैनल पे आप जाके देख ले सकते हैं। अब भाई देखो, कुछ टैलेंट तो बहुत अच्छे होते हैं, उनके टैलेंटेड बंदा है ये बोलते हैं हम, लेकिन कुछ टैलेंट ऐसे जिसे सीक्रेट ही रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो भी एक्सपोज कर दिया। कुछ भी से बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त है, बहुत ही प्यारा बंदा है। वैसे हम जस्ट फॉर फन वीडियो बना रहे हैं। इस बंदे ने रोस्टिंग के ऐलान जो वीडियो बनाई है उसमें तो मेरी तारीफ कर दी है, और एक जो रोस्टिंग का है पाशा ग्रुप एक्सपोज्ड बोल के, उसके अंदर भाई ने धो दिया है। तो देखते हैं वाली वीडियो को। हे यो यो, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टार्टिंग में ही मेरे इंट्रो को चुराते हुए, सो गाइस जैसा कि आपको पता होगा ये रोज किसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। हाँ भाई, पता चल गया, हमारे थंबनेल में इतना बड़ा पाशा ग्रुप ही डाल दिया है। और वो मेरे दोस्त भी है जिनसे मैं स्कूल में मिला था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये सब हुआ मेरी बुरी किस्मत के वजह से। जब हम स्कूल में हुआ करते थे कि कुछ कम बॉक्स, जो बॉक्स हम लाते हैं भाई जिसमें चीज़ें रखते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता था इनके प्रोफेशंस। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रोफेशंस। प्रोफेशन इन द सेंस गाइस, मतलब वो है क्या क्या है वो, मतलब वैसे तो बड़े ना समझ है भी थोड़ी बहुत समझ है इनमें, क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ, मुझे दोस्त बनाया इसलिए। हाँ ये कर लो पहले। वो बॉक्स पे लिखा रहता था कि भाई वो है गेमर, यूट्यूबर, शायर, आर्टिस्ट, ब्लॉगर। अरे भाई। जी हाँ, मैं गेमर हूँ, यूट्यूबर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, शायर हूँ, लेकिन ब्लॉगर में अभी उतरा हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के दो वीडियोस आए हैं। वैसे वो कमबॉक्स बॉक्स में ब्लॉगर नहीं था, याद करिए, आर्टिस्ट था, यूट्यूबर था, गेमर था, अभी दो तीन चीज़ें थे मुझे भी याद नहीं है, और शायर भी हूँ मैं। और आपके ऊपर भी एक शायरी कहना चाहता हूँ मैं, कि अंधेरे चारों तरफ साइन साइन करने लगे, चिरागे हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साइन साइन करने लगे, चिरागे हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका हमने सिखाया था जिसको चलने का, वो आज हमें दाएं बाएं करने लगे। जी हाँ भाई, हमारे सारे दोस्तों का भी यही रिएक्शन होता था जब वो पढ़ के सुनाते थे। बिल्कुल नहीं, मेरे शायरी बहुत लोगों को पसंद आते थे, थोड़ों को नहीं आते थे। हेटर्स आर हेटर्स एंड मोटिवेटर्स टू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
लेकिन मैं एक चीज़ उन्हें कहना ही भूल गया जब ना कह सका, लेकिन अब ज़रूर कहूँगा कि भाई कोई एक चीज़ तो अच्छी कर लेते। भाई मेरा तो क्या है, देखो भाई मैं पूरों में रहता हूँ, मेरे को पूरे चीज़ें पसंद है और पूरे मैं अच्छा भी करता हूँ, शायरी भी अच्छी बोल लेता हूँ, यूट्यूब में वीडियोज़ भी अच्छे बना लेता हूँ, वो बात अलग है, पहले सही नहीं था और अच्छा हो रहा हूँ मैं। भाई के पास मीम्स की कमी हो गई, सिर्फ बम ब्लास्ट का ही मीमदार रहे। वैसे इनका चैनल बहुत पुराना है, स्कूल टाइम से ये चला रहे हैं चैनल, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ सही कही है, मैं स्कूल टाइम से चैनल चला रहा हूँ लेकिन ग्रो नहीं करा, ये गलत की है बात, क्योंकि स्कूल टाइम में ही मैंने ग्रो किया था अपने 1000 सब्सक्राइबर्स, वो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे हमारे, वो सर नाइन्थ क्लास में कुछ नाइन्थ में कुछ है ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे जब मैंने ग्रो किया था 1000 सब्सक्राइबर्स, स्कूल की ही बात है, स्कूल में ग्रोथ नहीं, ये गलत बात बोल दी है भाई ने, स्कूल का चैनल स्कूल में ही चल रहा था वो सही है। अब ये बात और है भाई, किस कामयाब, शायद तो देर है अभी उन्हें कामयाब होने में। कामयाब होने में देर नहीं, जल्दी भी हो सकते हैं, ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं सुन सकता, बहुत जल्दी भी बढ़ सकते हैं, बहुत देर भी हो सकती है, अपने लक के ऊपर है और अपने हार्डवर्क के ऊपर। अब बात करते हैं इनके चैनल पर कंटेंट किस पर आता, मतलब क्या बेस पे आता, गेमिंग, अनबॉक्सिंग, एडुकेशन, स्केचिंग, न्यूज़, स्टेटस या व्लॉग। अरे भाई वो सब तो ठीक था, लेकिन ये मेडिटेशन क्लिप, जी हाँ वही अपना चैनल है ना, रेनबो के साथ कलरों की तरह भरकर है हर एक चीज़ से, और वो मेडिटेशन की क्लिप देखिए भाई, मैंने क्यों डाला था, लैपटॉप से कुछ चेकिंग के लिए डाला था, उसके बाद निकालना ही भूल गया, तो अब देखेंगे उन्होंने आगे क्या बोलते हैं मेडिटेशन क्लिप के ऊपर। आजकल की भागदौड़ में फुल इंटरनेट गवा कर लोग मेडिटेशन सुनेंगे, आपको लगता है वो भी 10 मिनट की? हाँ भाई ये सही बात है, इंटरनेट गवा के कोई आजकल मेडिटेशन तो नहीं सुनता, माय फॉल्ट। बात करते हैं कि गेमिंग की, गेम इन्होंने गेम खेलना शुरू किया था भाई, फ्री फायर, वही समय की बात है जब पबजी और फ्री फायर बोलकर छोटे छोटे बच्चे लड़ा करते थे, वो छोटे छोटे बच्चों में ये भी आते थे। अरे नहीं भाई आप इसमें चूक गए, मैं फ्री फायर भी खेलता था, पबजी भी खेलता था, मैं पूरे गेम खेला था, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेला था, मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी के भी वीडियोस है उसमें भी कुछ एक दो है शायद, मैं पूरे गेम्स खेला था, मैं ऑलराउंडर हूँ, आप ही खुद ही शुरू में बोल दिए ये करते चैनल पे, कुछ हेट नहीं है मेरा फ्री फायर और पबजी में, ये बात अलग है, मैं फ्री फायर ज़्यादा खेला, मेरे को पसंद भी ज़्यादा है, पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी भी पसंद है मेरे को, लेकिन फ्री फायर एक लेवल पर पसंद थी, अब नहीं है, अब मैं गेम्स छोड़ डाला, फिर भी GTA खेलता हूँ अभी भी, GTA के वीडियोस आएंगे, आप भी डालने वाले शायद GTA के, आगे कुछ बोले थे आप, देखेंगे। इनके चैनल पर आपको ज़्यादातर फ्री फायर की गेमिंग मिलेगी और शायद साइन एंड्रीज और वगैरह वगैरह दूसरे गेम भी है, मैंने देखा नहीं साइन एंड्रीज। हाँ भाई साइन एंड्रीज से ख्याल आया, शायद हम भी साइन एंड्रीज खेलना शुरू कर दे। अरे हाँ हमने तो इनके शॉर्ट्स के बारे में बात ही नहीं करी, तो अब आ जाते हैं इनके शॉर्ट्स पे, अगर आप इनके शॉर्ट्स में घुस जाओगे तो कुछ भी कंटेंट से रिलेटेड नहीं मिलेगा आपको, ना ही ज़्यादा ओरिजिनल मिलेगा, सब माल चुराया हुआ है। जी हाँ भाई मैं शॉर्ट्स है ना कॉपी करके डालता था इंस्टाग्राम से, क्योंकि लोग थोड़े इंस्टा पे यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते, तो इंस्टा की भी शॉर्ट्स आना चाहिए, तो इसलिए डालता था। अभी मेरे भी शॉर्ट्स आ रहे हैं, अब मैं वो वाले शॉर्ट्स बंद कर दिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना पहले से बहुत ज़्यादा चेंज किया है मैंने चैनल को, पहले टाइम पास को मैं रील्स देखता था, रील्स जब भी छेना डाउनलोड कर लेके यूट्यूब में डाल देता था, ऐसे डाल देंगे भाई बोल के, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं आप। बहुत अच्छी बात है, पब्लिक पहले से ही है ही बेवकूफ और ये और बेवकूफ बना रहे हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये छोड़ो भाई, अब आप ये शॉट देखो, भाई आपके गैराज में से हम गरीब को भी एक गाड़ी दे दो, हम भी पैदल चलने से बच जाएंगे। दोस्तों आप इन गाड़ियों को देखिए, डुकाटी V4 है, ये गाड़ियां खरीदने का मन कर रहा है मेरा, जस्ट किडिंग गाइस, ये गाड़ियां मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। गरीबों पीछे आप लोग जो झाड़ देख रहे हो, ये झाड़ भी मेरा है। गरीबों ये देखिए गाइस मेरा सोने का बॉटल। गरीबों ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम सबकी आंख जल सके। गरीबों
चक सोना सोना लागे दोस्तों। दोस्तों मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे घोड़े पे है, जी हाँ दोस्तों वो भी सोने का है गरीबों। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, लाइक शेयर करना तो करो वरना मत करो, मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं, बैंड बजाओ तुम लोग, आई एम द बेस्ट। तो मिलते हैं अगले शो ऑफ वाले व्लॉग में। रुको जरा, सबर करो। तो भाई बहुत टाइम पास कर लिया, ऊपर वीडियो कंटिन्यू करना है, अब नीचे जाना पड़ता है मेरे को। चलिए फिर वीडियो को अपन करते हैं कंटिन्यू। ये छोड़ो, हमारे भाई ने एक कुछ नया भी ट्राई किया था, देखना चाहोगे देखो आप लोग। Hey yo, what's up guys, welcome back to another short video. Hey yo, what's up? भाई थोड़ा धीरे से बोल लेते, कहीं जाना था क्या पनवेल? जी भाई, मैंने उतना भी ज्यादा स्पीड में नहीं बोला था, समझ में तो आ रहा था, आपका तो बहुत खतरनाक दिखा। मैंने ऐसा कहा था, hey yo, what's up guys, welcome back to another short video. आपका कुछ इस टाइप का है। Hey yo, what's up? भाई थोड़ा कुछ चबा रहे थे क्या भाई? Hey, you also... ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। विमल बोलो जुबा केसरी। देख कहीं जाना था क्या पनवेल? तो वीडियोस पे मेरे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, आप लोग कमेंट जरूर करिए आपको किस। हाँ भाई, वो तो वीडियोस पे बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले वीडियोस में बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, जैसे मेरे अनबॉक्सिंग के आप ले लो, लैपटॉप के, या फिर शॉर्ट वीडियोस ले लो, शायद मैं कॉपी करके डालाऊंगा, लेकिन व्यूज़ मेरे सबसे टॉप वाली जो शॉर्ट है उस पर व्यूज़ है 60,000। मैं भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, और सब्सक्राइबर्स थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी गाइस। तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं, अब तो वीडियोज़ में सही में व्यूज़ नहीं आ रहे यार, सही पॉइंट की बात बोले माइज बोला वैसे, उन्होंने खाली रिएक्ट करे हंसने का। बात बदल के करते हैं, शायद व्यूज आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं है भाई, ये सब व्यूज था, लेकिन इन्होंने तुम लोग के भाभी को भी नहीं छोड़ा। भाभी ऑसगे, तो गाइस भाई का रोस्ट खत्म हो गया, रोस्ट तो अच्छा करे भाई। तो गाइस ये वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट था, किसी के ऊपर हेट नहीं फैलाना है, वो हमारे दोस्त है, वो हमारे मित्र हैं, हमारे को मजाक में कुछ बातें बोल दी है, हमने सुन ली है, थोड़ा रिएक्ट कर दिया है, वीडियो बना लिया है, समझ रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, लाइक शेयर करना है तो करिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, खत्म। Yo, what's up guys? Welcome back to another gameplay video. आज हम लोग खेल रहे हैं कबूतरों के साथ। देखिए, देखिए हम लोग चले गए। कैसे दिखे आपको गेम प्ले, नीचे कमेंट में जरूर दिखे।